हेलो एवरीवन वेलकम टू पर् टेंथ हीज कैसे हैं आप सब होप आप अपने घर में बिल्कुल सेफ हैं और सुरक्षित भी तो हेलो एवरीवन वेलकम टू पर्ले टेंथ हीज माय नेम इुबैना और स्वागत करती मैं आप सबका थैंक यू सो मच ओके हेलो एवरीवन वेलकम टू पर्ले टेंथ हीज हाय अजस् हाउ आर यू तो आप कह रहे थे ना बहुत दिनों से मिले नहीं हैं लोग आज मिल ही गए ठीक है दिस वॉज अरप्राइज फॉर यू ओके हाई अभिषेक राय ओके तो लेट वी स्टार्ट आज हम करेंगे ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया का तीनों पार्ट को हम वन शॉर्ट में रिवाइज करेंगे देर विल बी अ शॉर्ट समरी देर विल बी फोर क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट एंड देर विल बी एम एम सी क्यू ठीक है चले स्टार्ट करें हाँ जस्ट बहुत दिनों बाद मिले हैं <laughs> स्टार्ट करें एवरी वन वेलकम टू परले एंड वेलकम टू कॉन्कर बैच ओके हाय सुभांशु ओके okay. तो सबसे पहले देखिए अगर अभी तक आपने परले सब्सक्राइब नहीं किया है तो देयर इज अ दे बेल आइकन नोटिफिकेशन के लिए उसके आगे ही सब्सक्राइब अगर का रखा है तो ऐसा दिखेगा वरना रेड कलर का दिखेगा ठीक है तो आपको क्या करना है सब्सक्राइब करना है इस चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए अगर आप इसको एड फ्री एक्सपीरियंस में देखना चाहते हैं तो आप डाउटनेट की ऐप पर इसे देख सकते हैं ठीक है जहां पर आपको प्रैक्टिस होमवर्क क्वेश्चन भी मिलेंगे लेक्चर भी मिलेंगी जो यहां पर मैं लेकर आई चैप्टर टेस्ट टेस्ट आपको वीकली होता है है ठीक और साथ साथ ही फ्री एक्सपीरियंस तो अगर आप बिना के इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप इसे डाउटनेट की ऐप पर देख सकते हैं ठीक है तो आगे चलते हैं कौन बैच में पहला चैप्टर जो मैं लेकर आई हूं आपके लिए वो है फर्स्ट फ्लाइट का ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया मतलब झलक हिंदुस्तान की ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया मतलब झलक हिंदुस्तान की इसमें आपको तीन पार्ट दे रखे हैं पहला है अ बेकर फ्रॉम गोवा ठीक है पहला है अ ब्रेक अ बेकर फ्रॉम गोवा ठीक है तो स्टार्ट करें चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक करिए ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करिए ओके अब सबसे पहले शॉर्ट समरी करते हैं हम इसकी यह समरी आपको लेक्चर स्लाइड डाउटनेट की ऐप पर मिल जाएगी तो आप फिक्र मत करिएगा कि जो लिखा है आपको कहां देखना है ठीक है ओके तो पहला क्या है अबेका फ्रॉम गोवा लूसियो ने लिखा है अब सबसे पहले देखिए एक बार रीच करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। The lesson began with how narrator Elder often recall the time when Goa was under the rule of Portuguese. They talk how the importance of baker is still maintained in their villages even after the Portuguese have left. They are known as padders in Goa. The, mix, the mixer, molders, and their time tested furnaces. to serve the people of Goa with their famous bread loaves. जो ब्रेड मेकिंग पर होता है और ब्रेड कहाँ की फेमस है पोर्चुगीज़ वाली ठीक है तो इस चैप्टर में अबकर फ्रॉम गोवा में आपको बोला गया है कि बेकर्स को पैडर्स बोला जाता है गोवा में और अभी पोर्चुगेज का रूल नहीं है लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस आल्सो पोर्चुगेज के जो हम हम ये कह सकते हैं शासन करने के बाद भी वहां पर जो पोर्चुगेज की जो ब्रेड है वो अभी भी इतनी फेमस है और वो अभी भी गोवा के कल्चर में डेवलप्ड है ठीक है डेवलप्ड है थैंक यू हार्दिक इट मीनस अलॉट क्लियर यहां तक क्लियर आपको यहां तक अभी भी जो मिक्सचर्स हैं जो मोल्डर हैं, जो भटिया हैं ठीक है टाइम टेस्ट फर्नेसेस वो अभी भी वैसा मतलब जो ब्रेड मेकिंग का जो प्रोसेस पोर्चुगीज के टाइम पर होता था ना वो अभी भी वहां पर है ठीक है वो अभी भी वहां पर है क्लियर चलिए आगे देखते हैं इट इज पॉसिबल दैट ओरिजिनल वंस मे नॉट एग्जिस्ट बट देयर प्रोफेशन इज बींग कंटिन्यूड बाय देयर सन्स the thud of their bamboo stick can still be heard in some part of the village the same jingling thud would wake the narrator and his friend during their childhood days who would go running to him without brushing or washing their mouth properly तो इस पैराग्राफ में आपको क्या समझ में आया इस पैराग्राफ में आपको यह समझ में आया कि इवन दो पोर्चुगीज़ के रूल के बाद भी ठीक है वहां पर अभी भी जो ज़िंगलिंग साउंड है जो जिंगलिंग साउंड है बैम्बू स्टिक की वो अभी भी है मतलब कि अभी भी जैसे गली-गली ब्रेड बेचने वाले गोवा में प्रेजेंट हैं कहीं जगह और जो वहां के लोग हैं वो अभी भी ब्रेड खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं जब नरेटर हैं वो अपनी चाइल्डहुड स्टोरी के बारे में बताते हैं कि जब ब्रेड बेचने वाला होता था पैड जब बे, ब्रेड बेचने वाला होता था वो बैंबू की स्टिक पर आता था बैंबू स्टिक होती थी उसके ऊपर एक टन टन की आवाज होती थी और एक बास्केट होती थी और वो बिना ब्रश करे इवन जैसे वो आता था तो भागते थे उनके घर के बच्चे और वो भी ठीक है और उनको कौन सी फेवरेट थी बैंगल ब्रेड थी बैंगल की शेप में ब्रेड उन्हें फेवरेट थी यहां तक क्लियर है एवरी देखिए कौन बैच है पूरा आपका रिविजन होगा ठीक है अभी मैं फर्स्ट फ्लाइट कराऊंगी उसके बाद पोइट्री सेक्शन कराऊंगी फिर उसके बाद हम फुटप्रिंट करेंगे फिर ग्रामर को करेंगे फिर रीडिंग को करेंगे राइटिंग को करेंगे इस बारी देखिए पूरे ग्रामर के टॉपिक्स आपको मिलेंगे एक वीडियो में वन शॉट वीडियो में आपको पूरा ग्रामर का टॉपिक मिलेगा तो इससे क्या होगा टाइम कम लगेगा लेकिन एक वीडियो में आपको पूरा एक ग्रामर का टॉपिक मिलेगा

तो कई बार क्या होता था बच्चों को पीछे हटाना पड़ता था हटो हटो क्योंकि वो बिल्कुल जो बेचने वाला होता था ना उसको पकड़ कर खड़े हो जाते थे नहीं नहीं हम नहीं करेंगे ठीक है क्लियर यहां तक आगे बॉल और स्वीट ब्रेड इज अ पार्ट ऑफ मैरिज गिफ्ट बॉल और स्वीट ब्रेड इज अ पार्ट ऑफ मैरिज गिफ्ट केक्स एंड बॉलिन कोकोनट कुकीज आर कु एंड द लेडी ऑफ द हाउस प्रिपेयर एंडविचे फॉर द डेट और एंगेजमेंट अब यहां पर क्या होता है कि गोवा के कल्चर में अगर बेटी की शादी हो तो जो लेडी ऑफ द हाउस होती है वो सैंडविच बनाती है ठीक है जो मीठी स्वीट ब्रेड होती है वो मेन पार्ट है उनके मैरिज फंक्शंस का ठीक है अगर कोई भी फंक्शंस में मीठी ब्रेड नहीं है स्वीट ब्रेड नहीं है तो वो शादी उनके लिए बेकार होती थी ठीक है क्योंकि उनके कल्चर में ही है कि क्या उनको ब्रेड खाने है आगे चले बेकर फ्रॉक ऑफ नी लेंथ नोन एस कबाई ये प्रियंश थैंक यू थैंक यूर वर पहले जो फ्रॉक पहनते थे ठीक है अब तो चेंज हो गया उनको क्या बोला जाता था कबाई क्या बोला जाता था कबाई ठीक है बट ड्यूरिंग द नरेटर चाइल्ड हुडेज लेकिन नरेटर के जब बचपन के दिन होते थे ठीक है दे वर अर्ट एंड ट्राउजर ऑफ लेंथ

तो वहां पर ऐसा कल्चर था कि ब्रेड बेचने ब्रेड देने वाला रोज आता था और महीने का बिल देता था भाई ये तुम्हारा बिल है ठीक है बेकरी हैज कंटिन्यू टू बी द प्रॉफिटेबल प्रोफेशन अब क्या है कि गोवा में जो बेकरी का जो काम होता है वो हमेशा प्रॉफिटेबल प्रोफेशन में माना जाता है क्यों क्योंकि क्यों, उसमें से बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता है ठीक है आगे मैनेजिंग टू कीप फैमिली जॉयस एंड प्रॉस्परस तो क्या होता है जो उनकी फैमिली होती है वो हटी कट्टी रहती है ठीक है और खुशी रहती है आयुष क्या समझ नहीं आया है आपको हुँ? क्या समझ नहीं आया है तो दिस वॉज अब हम करेंगे, क्वेश्चन को। चार क्वेश्चन हम करेंगे और उसके ऊपर हम पांच एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो आपको रिवाइज कराने में मदद करेगी आयुष क्या समझ नहीं आया है प्लीज बताओ तो सही पूरा समझ नहीं आया तो एक बार भी चैप्टर नहीं पढ़ा आपने अब एक फ्रॉम गो अप एग्जाम आने वाले हैं हाँ ओके सोनिया सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराएंगे ठीक है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर पार्ट पे मैं आपको कह रही हूं मैं चार क्वेश्चन आपको कराऊंगी जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बाद हम करेंगे एमसीक्यू ठीक है जिससे आपकी क्या हो जाएगी वन वर्ड की रिविजन हो जाएगी थैंक यू तेजस आप भी आए हो ओके थैंक यू चले तो सबसे पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमारा आ जाता है ये सीबीएसई टू ट्वेंटी में पूछा गया था मतलब दो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये ठीक है और ये 2010 में पूछा गया था फाइन तो 2010 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो देखिए आपको आंसर क्या लिखना है ओके थैंक यू ड्रीम आगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेड फॉर द गोन्स गोन्स मतलब गोवा के पर्सन मतलब गोवा के लोग गोवा पीपल ठीक है वाई वॉज द बेकर एस एसेंशियल इन द ट्रेडिशनल गोवन कल्चर तो हमने यहां पर देखा कि बेकर के फर्नेसेस असेंशियल है मतलब कि द ब्रेड मेकिंग प्रोसेस जनरली हम ये कहेंगे ब्रेड मेकिंग प्रोसेस जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है ठीक है ओके okay. आगे चलें क्वेश्चन नंबर वन का देखिए डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेड्स आर इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द डिफरेंट ओकेशंस अलग अलग प्रकार की अलग अलग ब्रेड जरूरी होती है अलग अलग ओकेजन पर ठीक है बॉलिन ड्यूरिंग क्रिसमस तो बॉलिन एक ब्रेड है जो क्रिसमस पे जरूर बनाई जाती है एंड अदर फेस्टिवल्स पर भी उसके बाद क्या करती है वहां की लेडी ऑफ द हाउस क्या बनाती है सैंडविच बनाती है ऑन द ओकेजन ऑफ देयर डॉटर एंगेजमेंट सो द बेकर की जो भट्टियां हैं या हम ये कहें जो प्रोसेस है मेकिंग का वो इंपॉर्टेंट है ठीक है क्या है बेक करने के लिए इंपॉर्टेंट है क्लियर द कैप्टन यार देखे लिटरेचर पार्ट इज द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट आई कुड से ठीक है क्यों क्योंकि आपने अगर स्टोरी पढ़ ली है और अगर आपने अच्छी पढ़ाई करी है अगर आपको इंग्लिश आती है अल्टीमेटली आई कैन से यू तो आप अपने वर्ड में सिंपल सेंटेंसेज में आंसर लिखे डोंट मेक योर आंसर सो मच कॉम्प्लेक्स यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट टिपिकल वर्ड्स भाई वहां पर आपने वैबुलरी दिखानी है इफ योर वोकैबुलरी इज गुड इनफ तो आप लिखे अदरवाइज अगर आपको बोर्ड का पेपर देना है तो बोर्ड के पेपर के देने की पहली टिप इंग्लिश की यही है डोंट यूज टिपिकल वर्ड मतलब क्या हुआ सिंपल इंग्लिश में लिखिए ठीक है अगर आपको चैप्टर में से कोई की जैसे कि अगर आपने फुल लेक्चर हमसे पढ़ा है पूरा कोर्स आपने मेरे से पढ़ा है तो ब्रैकेट में मैंने वर्ड मीनिंग लिखे थे दैट वॉज द की आप कीवर्ड्स को उठा के आंसर में लिखिए बट डोंट क्रिएट अ न्यू वर्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज़ वहां पर आपकी वोकैबलरी टेस्ट नहीं हो रही है वहां पर आपकी ये टेस्ट हो रही है कि आपको नॉलेज कितनी है जो आपने चैप्टर को पढ़ा है सिंपल इंग्लिश लिखिए टीचर वांट कट योर मार्क्स ठीक है क्लियर एवरीवन इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई चलिए आगे चलते हैं हाँ पूरे आयुष पाठक तीनों चैप्ट पार्ट कराऊंगी दैट इज वाई इंडिया, ठीक है क्वेश्चन नंबर टू सीबीएसई 2015 में पूछा गया तेजस देखिए न्यू वर्ड्स आने इंपॉर्टेंट हैं न्यू वर्ड्स आने इंपॉर्टेंट हैं बट अगर आपको कोई नया वर्ड नहीं आ रहा है तो उस पर स्ट्रेस लाना इज नॉट इंपॉर्टेंट ठीक है ना एग्जाम पॉइंट में एग्जाम पॉइंट में वो कैबुलरी इंपॉर्टेंट है जरूरी है लाइफ के लिए एग्जामिनेशन के लिए भी बट माई पॉइंट इज कि जब आपको नहीं याद आ रहा है तो क्यों लिख रहे हो उस वर्ड को सिंपल इंग्लिश में लिख दो मार्क्स कटेंगे ठीक है स्लाइड आपको डाउटनेट की ऐप पर मिल जाएंगी क्वेश्चन नंबर टू आफ्टर रीडिंग द स्टोरी ये स्टोरी पढ़ने के बाद अबकर फ्रॉम गोवा डू यू थिंक आर ट्रेडिशन हेरिटेज वेल्यूज एंड प्रैक्टिस आर द रूट दैट नरिश अस वाई और वाई नॉट आपने अब फ्रॉम गोवा चैप्टर को पढ़ा क्या आपको लगता है कि जो आपका ट्रेडिशन है आपका हेरिटेज है आपके जो वैल्यूज है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ बिल्डिंग यू ये क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन हो गया ठीक है और ये आएंगे एग्जाम में इस, सीबीएसई वाला ये पूछेगा ही पूछेगा ठीक है ओके तो क्लियर है आगे देखिए तो अब ये जो आंसर है दैट कैन डिफर फ्रॉम माय आउटलुक एंड दैट कैन डिफर फ्रॉम योर लुक ठीक है अब ये मेरा नजरिए से मैं आंसर ये बताऊंगी ठीक है आपके नजरिए से आप अपने वर्ड्स में आंसर लिखोगे सीबीएसई वाला रिकमेंडेड आंसर है है ये दैट आई एम सेइंग यू ठीक तो अब इस जो चैप्टर में ये जो ये जो क्वेश्चन है आपका वेरी करेगा क्या होगा ये वेरी करेगा ठीक है तो एक बार ही रीड करते हैं मुश्किल शब्द बेटा राजपूत शॉर्ट्स अब देखिए अ बेकर फ्रॉम गोवा बेकर फ्रॉम गोवा हाईलाइट करता है दर्शाता है द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस क्या दर्शा रहा है क्या दिखा रहा है ट्रेडिशनल प्रैक्टिस मतलब परंपरागत तरीके ठीक है ऑफ मेकिंग ब्रेड फॉर एवरी ओकेजन हर ओकेजन पर एंड फेस्टिवल हर त्योहार पर ऑफ द गोन पीपल मतलब गोवा के लोगों को दिस ट्रेडिशन कंटिन्यूज इवन टुडे वो जो ट्रेडिशन है वो आज भी कंटिन्यू हो रहा है ये दर्शाता है हाउ आर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ये दर्शाता है कैसे हमारी परंपरागत जो तरीके होते हैं कैन कीप अस टू आर पास्ट एंड हेरिटेज आगे Their additional values shape our personality and also provide us emotional support. तो जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती हैं वो हमारी पर्सनालिटी को भी डेवलप करती हैं और दूसरी बात वो हमारे को इमोशनल सपोर्ट भी देती हैं नरिश मतलब अब बिल्ड करना बेटा बढ़ाना आगे ठीक है आगे दे एनेबल अस टू फेस डिफिकल्ट सिचुएशन ये हमारे को अलाउ करती है कि हम डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस कर सकें ठीक है एंड मेक अस मेंटली स्ट्रांग और हमारे को मेंटली स्ट्रांग भी कर सकें Traditional practices also an impact on our behavioral pattern towards the other people in the society. अब जैसे हमारी परंपरा होती है जैसा हमारा tradition होता है तो ये हमारे behavioral practices में भी दिखाता है ठीक okay. है Clear हो गया आगे चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है सीबीएसई दो हजार सोलह में पूछा गया सी बी एस ई दो में पूछा गया ठीक है आगे चलिए ओके गुप्ता जी क्लियर हो गया ना हाँ ठीक है अभिषेक राय एक बार रीड करिए आ जाएगा ग्रामर कब कराऊंगी इसके बाद कराऊंगी ठीक है और हेरिटेज का मतलब क्या है विरासत में मिला हुआ ठीक है आगे चलिए द बेकर यूजली अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ठीक है सीबीएसई 2016 में पूछा गया था बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट मंथ तो बेकर क्या करते थे बिल को आखिरी के आखिरी डे महीने के कलेक्ट करते थे मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम तो जो मंथली रिकॉर्ड होता था वो पेंसिल से किसी वॉल पर लिखा जाता था बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड एज तो बेकिंग जो प्रोफेशन था वो बहुत प्रॉफिटेबल था क्योंकि हर घर में ब्रेड खाई जाती थी ठीक है तो बेकर एंड हिज फैमिली नेवर श्राफ तो बेकर और उनकी जो फैमिली कभी भूखे नहीं रहे ठीक है ही हिज़ फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक हैप्पी वह है और उनके सर्वेंट नौकर और उनका जो खानदान था वो हमेशा खुश दिखता था और प्रॉस्पर दिखता था देयर प्लम फिजिक वॉज एन ओपन टेस्ट मॉनी टू दिस मतलब क्या हुआ कि जो उनका प्लम क्या मतलब मोटा मतलब कि जो उनका पेट होता था वो काफी मोटा होता था तो ये दिखाता था कि खाते पीते घर से हैं ठीक है इवन टूडे इवन आज भी एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपेयरेंस इज इजली कंपेयर टू अ बेकर क्लियर यहां तक आगे क्वेश्चन नंबर वन देखिए डिड द बेकर रिकॉर्ड हिज अकाउंट बेकर रिकॉर्ड करता था अकाउंट को बेकर रिकॉर्ड करता था अपने मंथली को वन वर्ड क्वेश्चन ऑन द वॉल विद पेंसिल ब्लैक अगर आपको चाहिए तो मैं बता दूंगी ठीक है ब्लैक कल ही हो सकता है बीच लेक्चर में ब्लैक बोर्ड तो कर नहीं सकती ना ठीक है क्वेश्चन को रीड करिए प्लीज हाउ कुड आई फॉरगेट यू बेटा थैंक यू सो मच फॉर सच अ ग्रेट सपोर्ट यू हैव गिवन टू मी ठीक है बी डिड द बेकर एंड फैमिली नेवर कभी भूखे क्यों नहीं रहे क्योंकि प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था विच वर्क इज एन एक्सट्रैक्ट अम ऑफ बिल्ड 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 कर मतलब बनाना तो अब यहां पर बताइए क्या होगा हाउ कैन अ बेकर बी आइडेंटिफाइड इन गोवा बाय जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपेयर ठीक है तो हमारा आंसर पहला क्या हुआ द बेकर रिकॉर्डेड अकाउंट ऑन सम ठीक है द बेकर एंड अ फैमिली नेवर चार्व क्योंकि जो बेकिंग था वह एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था फिजिक फ्रॉम एन एक्सटार्ट इज अम ऑफ बिल्ड बनना ठीक है

तो फोर्थ एक रह गया रुकिए एक रह गया उसके बाद कराऊंगी ठीक है फोर्थ वन वी किड्स वुड बी पुस्ड असाइड विद अ माइल्ड रिबुक एंड द लॉस वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट वी बट वी वुड नॉट गिव अप लेकिन हम कभी गिव अप नहीं करते वी वुड क्लाइम अ बेंच टू द पैरापेट एंड पीप इन टू द बास्केट सम हाउ I can still recall the typical fragments of those laws, laws for the elders and the bangles for the children. CBSE 2014 में ये question पूछा गया। इसमें बोल रखा है कि आपने जब चैप्टर को रीड करा होगा, बेटा जी, DoubtNut की ऐप आप पर आपको ये पूरी स्लाइड्स मिल जाएंगी। Don't worry about it, ठीक है? जब आपको लेक्चर स्लाइड्स को देखना है, ठीक है? तो पहली बात क्या होता था कि जनरेटर कह रहे हम बच्चों को पीछे करा जाता था असाइड मतलब पीछे करा जाता था क्योंकि हम घेरा बनाकर खड़े हो जाते थे उसके बाद वो कहते हैं कि हम क्या करते थे लेकिन हम भी बहुत ज्यादा डीट हम भी क्या करते थे जो क्या होती हैं ठीक <laughs> है तो हम भी बेंच को क्या करते थे क्लाइम कर लेते थे ठीक है और हम क्या करते थे जो ऊपर छन्नी होती है ना ठीक है तो उसमें से आए बास्केट में से देखते थे कि भाई हमको बंगल चाहिए तो क्या होता था बड़ों के लिए दूसरी ब्रेड होती थी और हमारे लिए बैंगल ब्रेड को चुना जाता था। ठीक है? Who are we in the extract? We कौन है कौन एक्सट्रैक्ट में? देखिए देखिए। okay. जो आप आप पूछ रहे हैं। लेक्चर को full सारे चुनाव सबके सब मैंने लेक्चर्स में कराए हैं ठीक है तो okay. एक्सट्रैक्ट so में बच्चे वाई वर दिल्ड्रन पोस्टाइड बच्चे बच्चों को क्यों पीछे किया जाता था

ठीक ठीक है। है। ये चार questions थे मैंने आपको कराए ठीक है अब आपके स्क्रीन पर आएगा पोल ठीक है तो अगर पोल आएगा तो उसमें अटेम्प्ट करिए अदरवाइज कमेंट सेक्शन पे जो ऐप पर देख रहे हैं एबीसीडी लिखे ठीक है तो अब हम क्विज खेल लेते हैं तो क्विज़ में मैं फाइव क्वेश्चन लाई हूं पहले पार्ट पर क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पर हु इज द ऑथर ऑफ बेकर फ्रॉम गोवा फटाफट से एबीसीडी देना है आपको ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए फिर पार्ट टू पर चलते हैं एवरी वन विडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए फटाफट से आंसर दीजिए एबीसीडी एवरी वन पले टेन पढ़ सबने आंसर दिया ओके सी पार्ट इज द करेक्ट वन सेकंड पांच है टोटल सेकंड व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा को गोवा में क्या कहा जाता था आंसर दीजिए प्लीज वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए पोल आपकी स्क्रीन पर है एबीसीडी पे आंसर दीजिए चलिए तो पैडर बोला जाता था सबने सही आंसर दिया वेरी गुड एवरीवन ए पार्ट इज अ करेक्ट वन ठीक है थर्ड क्वेश्चन

फ्रेंड भी कहा जाता था कंपेनियन भी कहा जाता था और गाइड भी होता था ठीक है तो डी ऑल ऑफ द करेक्ट वन क्वेश्चन नंबर फोर वट डेड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर मतलब डिजायर फॉर क्वेश्चन नंबर फोर फटेफट आंसर दीजिए ताकि पार्ट टू पर भी चल सके टोटल थ्री पार्ट हैं एवरी वन वेरी गुड ब्रेड बैंगल्स बहुत बढ़िया लास्ट क्वेश्चन ठीक है फिर पार्ट टू पर चलते हैं हाउ मेनी टाइम डिड कम एवरी डे हो गया सेकेंड <laughs> पार्ट के बाद में भी होगा ठीक है ट्वाइस ठीक है ट्वाइस बी द करेक्ट वन चलिए हम चलते हैं पार्ट टू की रिवीजन पर पार्ट टू में हमारा आ जाता है कुर्ग जो लिखा है लोकेश एब्रॉल ने ठीक है जो लिखा है लोकेश एब्रॉल ने अब कुर्ग जो है वो क्या है क्या है कॉफी कंट्री असम को क्या बोला जाता है टी कंट्री बोला जाता है है ना ठीक है तो चलिए देखते दे हैं द राइटर डिस्क्राइब इसमें जो राइटर है वो डिस्क्राइब करता है हिल स्टेशन को कुर्ग के जो लोकेटेड है इन द वेस्टर्न घाट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका कर्नाटक का में कुर्ग है वेस्टर्न घाट्स पे ठीक है उसमें छोटे सी क्या है कुर्ग जगह है ठीक है छोटा सा प्लेस है ज्यादा बड़ा नहीं है और उसे हम देखते हैं इट इज लोकेटेड मिड वे बिटवीन बैंगलोर ठीक है एंड मैंगलोर तो इट इज इन बिटवीन मैंगलोर एंड बैंगलोर ओके दट सुटेबल टाइम टू विजिट कुर्ग इज फ्रॉम सेप्टेंबर टू मार्च तो फेवरेट फेवरेटेबल टाइम है कि वेदर बहुत अच्छा होता है वो होता है सेप्टेंबर टू मार्च के बीच में आप जा सकते हैं तो अभी भी जाना चाहो लेकिन बोर्ड एग्जाम एग्जाम्स है हो द प्लेस इज फेमस फॉर कॉफी प्लांटेशन अब जो जगह है वो फेमस है कॉफी प्लांटेशन के लिए और स्पाइसी के लिए मतलब मसालों के लिए देयर आर आर रेन फॉरेस्ट विच कवर थर्टी परसेंट ऑफ द एरिया तो बहुत बड़ा हम ये कह सकते हैं रेन फॉरेस्ट है, है वहां पर ठीक है थर्टी परसेंट लैंड वो ऑक्यूपाई कर लेता है ओके okay, द कुर्गी मैन आर ब्रेव जो कुर्गी के लोग हैं मतलब कि मैन हैं वो बहुत ज्यादा ब्रेव हैं एंड ब्रेव वैरियर्स हुमिटेड टू कीप फायर आर्म विदाउट ड्यू टू देर ट्रस्ट वर्दीनेस तो जो कुर्गी के लोग हैं उन्हें इतना ट्रस्ट वर्दी है कि इवन दो वो पिस्तौल को या गन को जिसे हम ये कह सकते हैं अपनी पॉकेट में रख सकते हैं विदाउट एनी लाइसेंस लेकिन अगर आपको वैसे रखना है इवन दो यू आर वर्किंग एज ए ज्वेलरी शॉप इफ यू हैव ठीक है अगर आप ज्वेलर के द्वारा भी काम कर रहे हो तो यू नीड अफ क्या हम ये कह सकते हैं कि

अब कुर्ग की जो औरतें हैं बड़ी सुंदर हैं कुर्ग के लोगों को कोदावु भी कहा जाता है कोदावु एक हिंदू ही हैं, लेकिन उनका जो रीति रिवाज है वो बहुत डिफर करता है बहुत डिफरेंट है हिंदू कल्चर से ठीक है दे मैरी विद देयर कम्युनिटी मतलब कि उनका कल्चर बहुत डिफर करता है तो वो अपनी कम्युनिटी में ही शादी करते हैं ठीक है वहीं के लोगों से शादी करते हैं कोदावूज आर सेट टू बी ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट तो यहाँ पे यह कहा जाता है कि जो कोदावुज हैं जो उनके एनसेस्टर हैं वो या तो वो ग्रीक के लोग हैं या वो अरबिक के अरबिक हैं क्यों क्योंकि यहाँ पर हमने इसके पीछे कहानी देखी थी एग्जेंडर की सम सोल्जर ऑफ एक्सलेंडर आर्मी सेटल देयर सो दैट इज वाई ठीक है तो ऑल्सो एज अथे ड्रेस मतलब जो उनकी परंपरागत ड्रेस है ऑफ द कोदावज वो है कूपिया क्या है कूपिया जो बहुत सेम है अरब गवर्नमेंट से जिसका नाम है कुफिया ठीक है कुर्द तो so, इस वजह से ये कहा जाता है कि जो उनके ए, 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 क्या है? Ancestors है, या पूर्वज हैं वो अरब के हैं या कुर्दीरो मनी हाँ, लेकिन आपको जीरो मनी पे अगर आप नीचे क्लिक करोगे ना तो आप इस कोर्स में ऑलरेडी एनरोल्ड हो जाओगे तो डाउट नॉट इज नॉट आस्किंग एनी मनी फ्रॉम यू जस्ट आपको वहां पर एड जीरो के ऊपर करके नीचे सबमिट ऑप्शन करना है आप इस कोर्स को देख सकते हैं ठीक है आगे चलते हैं द रिवर कावेरी ओरिजिनेट फ्रॉम कुर्ग कौन सी रिवर है जो ओरिजिनेट करती है कुर्ग से कावेरी ठीक है द फिश नेमड महासीर इज फाउंड इन द रिवर कौन सी फिश फाउंड होती है वहां पर मतलब खोजी जाती है उस रिवर में महासीर मेनी एनिमल्स और बर्ड्स बहुत ज्यादा जानवर और जो बर्ड्स होते हैं जैसे कि किंगफिशर हो गए लंगूर हो गए स्कुरल्स हो गए एलिफेंट्स हो गए वहां पर उस रिवर में क्या करते हैं खेलते हैं मतलब कि ट्रीज के पास खेलते हैं कोई आधा फ्रूट खा के गिरता है स्प्लैश को देखता है ठीक है तो हमने ये सारी चीजें पूरे चैप्टर में पढ़ी थी उसके बाद टूरिस्ट रिलैक्स इन द सीनरी एटमोसफियर एंड ऑल्सो एंजॉय एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइक रिवर राफ्टिंग कैनोइंग रैपलिंग माउंटेन बाइकिंग रॉक क्लाइंबिंग एंड ट्रेकिंग तो जो टूरिस्ट होते हैं उनको भी बहुत मजा आता है वो कौन कौन से स्पोर्ट्स करते हैं वाटर स्पोर्ट्स करते हैं जैसे कि रिवर राफ्टिंग हो गई कैनोइंग हो गया रैपलिंग हो गई ठीक है कहीं माउंटेन बाइकिंग भी करते हैं रॉक क्लाइंबिंग भी करते हैं ट्रीकिंग भी करते हैं वेल ट्रीकिंग ऑन द नेचर ट्रेल्स एनिमल्स लाइक मैक्यूस मेला बार्स लंगूर स्पलेंडर लॉरिस ठीक है कैन बी स्पॉटेड ऑन द ट्रीज तो इतने टाइप्स के जो जानवर होते हैं वो भी ट्रीज में फाइंड आउट होते हैं ठीक है द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन आर ब्रह्मगिरी हिल्स तो मेजर वहां पे टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या है ब्रह्मगिरी हिल्स हैं ठीक है अब यहाँ पर क्या है निसार धनम आइलैंड है और बा, बाइला तिब्बतन सेटलमेंट है क्या बाइला कुपे तिब्बतन सेटलमेंट है तो मतलब मेन तिब्बतन सेटलमेंट वहीं पर है कुर्ग गिव विजिटर अ फील ऑफ आफ इंडिया डाइवर्स कल्चर तो हमने यहाँ पर देखा था कि वहां पे बुद्धिस्ट का बहुत अच्छा कम्युनिटी है तो हमने यहाँ पर देखा था कि कुर्द जो है जो हम ये कुर्ग कहेंगे वहां पर जाकर आपको ऐसा फील होगा कि जो इंडिया है उसमें कितना डाइवर्स कल्चर है अलग अलग कल्चर्स जो है वो एक ही कंट्री में समाये हुए हैं क्लियर एवरी वन एवरी वन क्लियर उदित यू कैन से लाइक डाइवर्स कल्चर मतलब कि बहुत ज्यादा कल्चर मतलब कि इतने अलग अलग प्रकार के कल्चर ठीक है पीसफुल यू कैन से गजेंद्र या ब्यूटिफुल पीसफुल यू कैन से इन दैट केस ठीक है आगे चले चार नेटवर्क इशू है वीडियो यहां से बिल्कुल क्लियर है क्वेश्चन देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर दो हजार ग्यारह में क्वेश्चन आया हुआ है ये ठीक है दो हजार ग्यारह में क्वेश्चन आया हुआ है चार क्वेश्चन के बाद हम क्विज खेलेंगे ठीक है तो पहला क्वेश्चन क्या है यहां पर प्लीज देखें मिडवे बिटवीन माइसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स पीस ऑफ मैंग्रिफ्टेड टूवर्ड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड तो यहाँ पे कह रखा है बीच रास्ते में माइसूर और मैंगलोर के बीच में एक टुकड़ा है जो बिल्कुल ही स्वर्ग से मानो गिरा है या मानो स्वर्ग से ही आया है किसको बोल रहे हैं किसको बोल रहे हैं किसको बोल रहे हैं है? कुर्ग को बोल रहे हैं ठीक है उड रेस ऑफ मार्शल मैन ब्यूटीफुल वन एंड वाइल्ड क्रिएचर तो यहाँ पर लिख रखा है ये जो लैंड है मार्शल मैन मतलब कि स्ट्रॉन्ग मैन जो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैन के बारे में बात कर सकते हैं ब्यूटीफुल वुमेन सुंदर सुंदर लेडीज और वाइल्ड क्रिएचर और अलग अलग प्रकार के जंगली जानवर ठीक है कुर्ग और कदागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका ठीक है होम रेन रेन फॉरेस्ट फॉरेस्ट वहां पर है स्पाइसेस हैं और कॉफी प्लांटेशन है 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया ठीक है आगे देखिए विच काइंड ऑफ एनिमल आर वी लाइकली टू सी एट कुर्ग कौन कौन से जंगली जानवर हम कुर्ग में देख सकते हैं अभी हमने रीड किया है ठीक है वट इज कुर्ग नॉन फॉर कुर्ग को किससे जाना जाता है

पहला आंसर हम कहेंगे विच काइंड ऑफ एनिमल आर लाइकली टू सी एट द कुर्ग कुर्ग में कौन कौन से जानवर दिख सकते हैं वी आर लाइकली टू सी वाइल्ड एनिमल्स अगर आपने बोला या बोल सकते हो नो प्रॉब्लम इन दैट केस लेकिन आप इसका मेन हेड लिख दो वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर दिखते हैं हमारे वहां पर ठीक है मैमल्स नहीं दिख रहे जंगली जानवर जनरली दिख रहे हैं बी कुर्ग इज नोन फॉर इट्स एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन थर्ड हमने कहा था वॉर से रिलेटेड एक वर्ड है कौन सा है

स्टॉप प्रीति, ठीक है स्टॉप एवरी वन प्लीज स्टॉप दिस अगर आपको खुद नहीं पढ़ना है तो दूसरों को ना दूसरों को पढ़ने दीजिए आई एम रिक्वेस्टिंग यू ओके आई एम रिक्वेस्टिंग यू ठीक है डोंट डू सच थिंग्स आगे सेकेंड वन सी बी एस ई दो हजार तेरह में एक क्वेश्चन पूछा गया था ठीक है सी बी एस ई ट्वेंटी थर्टीन में एक क्वेश्चन पूछा गया था ओके okay. ओके okay. आगे देखिए

रीड करना है उसके बाद उस पर चार क्वेश्चन आते हैं वट स्टोरीज आर द कुर्क पीपल ऑलवेज रेडी टू टेल किस प्रकार की जो कहानियां होती थी कुर्क पीपल हमेशा बोलने के लिए तैयार रहते थे कैसे उन्होंने लड़े हैं ठीक है कैसे वो वॉर में लड़े अपनी अपनी ब्रेव अपनी लोगों को दिखाने के लिए कि भाई वो बहुत ज्यादा ब्रेव हैं तो वो चीजें वह बताना चाहते थे विच वट इज अ स्पेशल फ्लेवर ग्रांटेड ओनली टू देम इवन नाउ फेवर

Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. Okay, Velo from an extract means courage and bravery, usually in the war. Okay, D. Kodavus are the only people in India that is permitted to carry the firearms without a license. Okay, clear. थर्ड क्वेश्चन हाउ डू कुर्ग लोकेशन पीपल नेचुरल फीचर ऐड टू दी ऑफ इंडिया तो सीबीएसई क्वेश्चन पूछा गया कि कैसे जो कुर्ग लोकेशन है लोग है और है, वो करते हैं और हैं डायसिटी ऑफ इंडिया का ठीक है तो हम बोलेंगे कि कुर्ग इज अफुल लोकेटेड एंड डिस्क्राइब एज अ पीस ऑफ हेवन कुर्ग बहुत सुंदर लोकेट है ठीक है डिस्क्राइब किया जाता है एज पीस ऑफ हेवन दट मस्ट है किंगडम ऑफ गॉड जो पक्का ही

अब आगे हम बोलेंगे जो लोकल लोग हैं कोदावुस वो मार्शल रेस हैं और ऑफ कोर्स दे आर वेल नोन और उन्हें कैसे जाना जाता है हॉस्पिटैलिटी कैसे लाइक जस्ट एज इंडियन जैसे इंडियंस होते हैं ऑल दीज फीचर्स ऑफ कोर्क आर द डाइवर्सिटी ऑफ आर कंट्री आगे चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये में से ठीक है फोर्थ द रिवर कावेरी ऑप्टेन्स इट वॉटर फ्रॉम द हिल्स रिवर कावेरी कहाँ से पानी लेती हैं हिल्स और फॉरेस्ट से ठीक है जो लार्ज फ्रेश वाटर मतलब ताजे पानी वाली हमें कहें फिश ठीक है वो इन्हीं महासीर रिवर में पाई जाती है किंग फिशर जो बर्ड होती है वो डाइव करती है उसमें ताकि वो फिश को ले सके ठीक है स्क्विरल्स भी होती हैं लंगूर्स भी होते हैं जो आधा खाया हुआ

फटाफट फ़ड़ से आंसर दीजिए क्योंकि अभी एक पार्ट हमारा रह गया है वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए लास्ट हमारा रह जाएगा टी फ्रॉम असम। फटाफट से उसे भी कर लेंगे टेन मिनट्स में टर्म टू में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको बस एक चीज करनी है प्रैक्टिस वो भी रीडिंग की ठीक है तो लकेश एब्रोल क्वेश्चन नंबर टू कुर्ग इज अ डैश कंट्री कुर्ग इज अ डैश कंट्री बताइए बेटा कुर्ग इज कंट्री क्या है कॉफी कंट्री ठीक है आगे चले क्वेश्चन नंबर थ्री पर वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड कहाँ है अगर आप आपको मैसूर मैंगलोर कर्नाटका केरला दे रखा हो तो आप क्या करोगे वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए साथ बेटा कुर्क कंट्री नहीं है उसे बोला जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा प्लांटेशन होती है वर्ल्ड के अनुसार वहां पर अगर आपने चैप्टर रीड किया है तो आपको आता ही होगा ये चीज ठीक है नहीं आता तो कोई बात नहीं बता दिया कर्नाटका ठीक है आर्मी इज फ्रॉम everyone okay the kurg last question dash river obtained it water from kurg konsi river thi everyone हो गया कावेरी ठीक है कावेरी रिवर लास्ट रह गया है हमारा लास्ट रह गया है हमारा ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का टी फ्रॉम असम का ठीक है टी फ्रॉम असम का अब ये जो स्टोरी है ये रिवॉल्व कराती है अराउंड इन फेमस ब्रिवरेज टी टेलिंग में अस अबाउट मोर हिस्ट्री एंड डिस्कवरी अब इट बिगेन फ्रॉम जहां पर दो दोस्त थे प्रंजोल और राजवीर ठीक है वो कहाँ जा रहे थे आसाम जा रहे थे और प्रंजोल के होम टाउन में जा रहे थे टी टी वेंडर वेंडर पर लेना पसंद करोगे दे बाय टू कप उन्होंने दो कप लिए थे ऑलमोस्ट एवरी अदर पर्सन इन देयर कंपार्टमेंट ठीक है जैसे सबने लिए थे ठीक है फ्रॉम देयर वहां से जो जर्नी है वो बिगेन हुई प्रंजोल ने स्टार्ट करा रीडिंग डिटेक्टिव बुक्स राजवीर डिसाइडेड टू एंजॉय द ब्यूटी वर सॉफ्ट ग्रीन पैडी फॉलोड टी बुशेस थी और राजवीर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था जब उसने देखा था लार्ज प्लांटेशन ऑफ सी में लेकिन प्रंजोल बिल्कुल वो एक्साइटमेंट मैच नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बॉर्न हुआ था आसाम में और फेमसली नोन एज अ टी कंट्री ठीक है तो जब वो वहां पर गया पहली बारी प्रंजोल ठीक है तो उसे प्रंजोल तो वहीं का रहने वाला था जब राजवीर पहली बार गया डेड अ लॉट ऑफ स्टडी उसने बहुत पढ़ाई कर रखी थी टी के बारे में और उसने भी यह पता था कि टी जो डिस्कवर डिस्कवर हुआ टू सेवन जीरो बी सी में हुआ था अकॉर्डिंग टू वॉट ही रेड जो उसने पढ़ा था इट वॉज कंज्यूम्ड इन चाइना पहले चाइना में ली गई थी पी गई थी और फिर वो यूरोप में गई थी सेंचुरी में वेयर इट वॉज ऑलमोस्ट जहां पर वो लगभग पॉपुलर हो गया था एक मेडिकल प्रॉपर्टी से ठीक है तो देयर आर आर स्टोरीज बहुत ज्यादा कहानी है टी की डिस्कवरी पर एक चाइनीज एम्प्रर की है और दूसरी बुद्धिस्ट मॉन्ग की है ठीक है दो

तो जब वो रास्ते में जा रहे थे उन्होंने कैटल ब्रिज को पास किया था और a इट अ ट्रक तो राजवीर कि उसने बोला राजवीर को पता था कि सेकंड स्प्राउटिंग सीजन है और बिफोर कमिंग वर इम्प्रेस father फादर एंड अटेंड इंटेंडेड टू लर्न अ lot मोर और उसे और भी ज्यादा पढ़ना था ठीक है

बौद्धि धर्म ठीक है तो बोधि धर्म के बारे में एक एशियन बुद्धिस्ट एसेटिक थे थे मतलब ठीक है गिरने की वजह से ठीक है क्योंकि उन्हें बहुत नींद आती थी तो उन्होंने अपनी आईलेट्स को काट दिया था तो उसके बाद क्या हुआ था टी प्लांट्स ग्री हुए थे आउट ऑफ देयर आईलेट्स तो मैंने हेयर के कारण ना हेयर बोल दिया था दैट वॉज नॉट लाइक बाल दैट वॉज नॉट लाइक सर के बाल ठीक है द लीव ऑफ दीज प्लांट्स वर पुट इन अ हॉट वाटर उसके बाद uh, क्या हुआ था ड्रंक बैनिश स्लीप तो क्या हुआ था जो लीफ प्लांट से उसे डाला गया था तो उससे पिया गया था तो जिससे नींद भाग गई थी ठीक है टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना चाइना राजवीर ने और ऐड किया 20 2700 बीसी में और जो टी है वो जो चाय है वो चीनी वो चाइनीज वर्ड है तो वहाँ क्या हुई टी केम टू यूरोप ओनली इन सदी में आई थी और वो मेडिसिन की तरह पी जाती थी ना कि ब्रिवरेज की तरह बौद्धि धर्मा कौन थे बौद्धि धर्मा एक एशियन बुद्धिस्ट एसेटिक थे ठीक है हाउ इज मेडिसिन डिफरेंट फ्रॉम ब्रिवरेज मेडिसिन कैसे डिफर करती है ब्रिवरेज से मेडिसन इज यूज फॉर ट्रीटिंग डिजीज मेडिसन डिजीज को ठीक करने के लिए होती है ब्रिवरेज किस लिए होती है जनरल ड्रिंकिंग पर्पज के लिए होती है आगे थर्ड फाइंड द वर्ड एक्सट्रैक्ट विच मींस द सेम एज अ ड्रिंक ड्रिंक क्या होता है ब्रिवरेज ठीक है डी वेन एंड वेयर वॉज टी फर्स्ट ड्रंक कब और कब और कहा पहली बार टी पी गई थी ठीक है टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना एज फार एज टू सेवन जीरो बी सी ठीक है सेकेंड है दिस इज अ टी कंट्री नाउ ये एक टी कंट्री है अब एक्सप्लेन दिस विद्रेंसाम सीबीएसई दो हजार तेरह में पूछा गया कि यह एक टी कंट्री है तो आपको एक्सप्लेन करना है वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन ठीक है लार्जेस्ट वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्लांटेशन है दैट इज वाई कंट्री बोला जाता है इन द वर्ल्ड नंबर ऑफ टी गार्डन कैन बी फाउंड देयर ठीक है मोस्ट ऑफ द टी ग्रोन इन असम इज सप्लाइड ऑल ओवर दर्ल्ड थर्ड क्वेश्चन में आपको यहां पर क्या दे रखा है एक पैराग्राफ दे रखा है उस पर आपको चार क्वेश्चंस को करना है पैराग्राफ आप रीड करोगे एज अ होमवर्क क्वेश्चन को मैं डिस्कस कराती हूँ हाउ डू वी नो दैट टी इज वेरी पॉपुलर कैसे हमें पता है कि टी बहुत ज्यादा पॉपुलर है हमें पता है कि जो टी है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि एट्टी करोड़ कप ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड अस्सी करोड़ डी राजवरी वॉज अ ग्रेट फैन ऑफ रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरी वाई डिडेंट ही लाइक टू रीड दैट मूवमेंट बहुत राजवीर को पसंद था डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ना लेकिन वो उस समय क्यों नहीं पढ़ रहा था कि राजवीर डिट लाइक टू तो रीड द डिटेक्टिव स्टोरी एट दैट मोमेंट उस पल में क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था ब्यूटीफुल सीनरी को देखने के लिए जो ट्रेन के पास हो रही थी ठीक है विच वर्ड इन एक्सट्रैक्ट मीन द सेम एज वेल लाइक मतलब पॉपुलर ठीक है डी वेयर वॉज राजवीर बिजी वेन द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन तो राजवीर वॉज बिजी एट लुकिंग ब्यूटीफुल सीनरी आउटसाइड द ट्रेन ठीक है थोड़ा सा स्पीड तेज है आई नो इट लेकिन आई डोंट हैव मच टाइम क्योंकि मुझे एंड करना है ठीक है तो यहां पर देखिए होमवर्क में आप चैप्टर को ये पैराग्राफ को रीड करोगे लेक्चर स्लाइड्स में मैं क्वेश्चन को डिस्कस करा देती हूँ हाउ मेनी कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड एट्टी करोड़ ऑफ कप ओवर एट्टी करोड़ कप ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड ठीक है वेयर वर प्रंजोल एंड राजीर वर दिसन दिस कन्वर्सेशन टुक प्लेस

Any doubt till here? se any anyway quiz nahi aaya line आपको क्या दिक्कत हो रही है से? Any, anyway, quiz नहीं आया, line tea vendor, मतलब tea बेचने वाला ठीक है So this was all about द uh, थ्री parts ऑफ ग्लिम्स ऑफ इंडिया आई नो ये चैप्टर बहुत वाइड था ठीक है बहुत बड़ा चैप्टर था इस वजह से थोड़ा सा लास्ट में थोड़ी स्पीड तेज हुई है बट एक एक पॉइंट को समझाया आप कोई भी पॉइंट मिस आउट नहीं करोगे ठीक है? तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप एक बार रीड कर लीजिएगा पीडीएफ से आपको सब समझ में आ जाएगा दैट मैं आपको श्योरिटी दे रही हूं ठीक है चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन ध्यान रखिएगा अपना ले टेंथिस पे बने रहिए और डाउटनेट की ऐप पर भी बने रहिए